जलंधर दैत्य से सारी सृष्टि जब परेशान हो गई, उसे कोई मार नहीं सकता था। उसकी पत्नी परम पतिव्रता थी, तो उसके पातिव्रत को विचलित करने के लिए भगवान ने छल पूर्वक उसके पति का वेश बना करके वृंदा का पातिव्रत विचलित किया। यह भी कथा बड़ी विचित्र है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने उस वृंदा के पातिव्रत को नष्ट क्यों किया। यह कथा है, सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो भगवान के द्वारा किसी का पातिव्रत नष्ट ही नहीं होता। भगवान तो परम पति, भगवान के द्वारा कोई धर्म कभी नष्ट होता ही नहीं, क्योंकि भगवान साक्षात स्वयं धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, पातिव्रत एक धर्म है। पातिव्रत, यम नियम, ये सब धर्म है। और भगवान बोले, भगवान साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, तो धर्म से धर्म थोड़ी नष्ट होता है। तो भगवान के द्वारा वृंदा का पातिव्रत नष्ट नहीं हुआ, सच्चाई तो ये, और सच्चाई तो यहां तक है कि भगवान वृंदा का पातिव्रत नष्ट करने नहीं गए। भगवान तो लीला कर रहे हैं, लीला के अनेक प्रयोजन होते हैं। भगवान तो वृंदा से प्रेम करते हैं। भगवान केवल प्रेमास्पद नहीं है, अपितु भगवान स्वयं प्रेमी भी। भगवान केवल प्रेम का विषय नहीं होते, अपितु भगवान भी प्रेम करते। इसे कहते हैं भगवान प्रेमास्पद हैं। तो भगवान प्रेमास्पद हैं, अनंत अनंत जीव भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान प्रेमास्पद होते हुए भी प्रेम करते हैं, प्रेमी भी। और भगवान जिससे प्रेम करते हैं वो तो परम सौभाग्यशाली हो, उससे बड़ा श्रेष्ठ और दिव्यतम कौन हो सकता है। तो भगवान भी वृंदा के पातिव्रत से प्रसन्न होकर, उसके धर्म से प्रसन्न होकर वृंदा को भगवान प्रेम करते, वृंदा को चाहते। बड़ी लंबी कथा है पुराणों में, जब वृंदा के पातिव्रत को भगवान ने छल पूर्वक टाला, छल कर टारे उतास व्रत प्रभुसुर कारज, तो वृंदा का पति जलंधर जब मरा तो वृंदा सती हो गई। वृंदा जब सती हो गई तो जब वृंदा अपने पति के चिता में बैठकर सती हो रही थी, तो भगवान नारायण जिन्होंने छल पूर्वक वृंदा का पातिव्रत विगलित किया था, वे भगवान भी वहां शमशान के पास थोड़ी दूर पर बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर के रो रहे थे। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप रो रहे हो किसके लिए? कथा है पुराण में। तो भगवान ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ मैं वृंदा के लिए रो रहा हूं, ये मुझको अत्यंत प्रिय है, मैं इससे प्रेम करता हूं और इसे मैं चाहता हूं, लेकिन ये तो मुझे फूटी आंख देखना नहीं चाहती, इसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और ये अपने पति के मृत शरीर के साथ जलने को तैयार है, और मैं तो इसके लिए मरने को तैयार हूं, मैं भी इस चिता में जल जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, हां हंत ऐसा मत करना। भगवान शंकर ने संभाला भगवान, और इसके बाद जब वृंदा की चिता जल गई, उस धूल में जा जाकर के लौटते हैं भगवान की, हे वृंदा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तू मुझे छोड़ करके कहां चली गई। बड़ी गंभीर कथा है महाराज, किसी कथा को उसके सर्वांग बिंदुओं पर जब विचार करेंगे तो उसका निष्कर्ष समझ में आता है। तो भगवान वृंदा से अपूर्व प्रेम करते, इस कारण से वृंदा को प्राप्त करने के लिए भगवान आए, ये बहाना भी बना, और इस बहाने से वृंदा का कोई पातिव्रत नष्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि पातिव्रत धर्म के फल भी तो भगवान है। पातिव्रत एक धर्म है और भगवान स्वयं धर्म भी हैं और धर्म के फल भी हैं। रामो विग्रहवान धर्म,
और समस्त धर्मों के फल भी भगवान ही। हम जितना धर्म करते हैं उसका फल क्या है? हम एकादशी का व्रत करें, तीर्थ करें, कथा सुने, मंत्र का जप करें, दान करें, पुण्य करें, इन सारे धर्मों का फल क्या है? बोले सबका फल भगवान है। भक्ति, ज्ञान, योग, सबके फल भगवान है। सारे धर्मों के फल, सब साधन कर फल सुत सोई, समस्त साधनों के फल भगवान है। सारे धर्म के फल भगवान है। और वही भगवान तो वृंदा को प्राप्त हुए, तो वृंदा का धर्म कहां नष्ट हुआ? लेकिन यह भी एक कथा मात्र है, लीला मात्र है, यहां तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो भगवान ने फिर वृंदा के शाप को कारण बनाकर अवतार लेते हैं, यह भी भगवान के अवतार का एक कारण है।